गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं, है ना। सो बेसिकली अगर देखिए तो हम लोगों ने अभी तक ज़्यादा कुछ खास करा नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड। अभी तक जो हमने करा वो एक्चुअली बहुत ही सिंपल से अभी तक क्वेरीज हमने देखी, जैसे कि बहुत ही, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ फास्ट। देखो हमने एक देखा कि लाइक इफ़ यू राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, है ना। सो बेसिकली इट विल रिटर्न द होल टेबल ना, व्हेन यू राइट लाइक फ्रॉम स्टार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सो इट विल रिटर्न द ऑल द थिंग्स अबाउट दैट टेबल। सपोज यू वॉन्ट टू राइट अ फर्स्ट वॉन्ट ओनली द पर्टिकुलर कॉलम, तो यू कैन राइट सेलेक्ट कॉलम नेम, जो भी कॉलम चाहते हो, फ्रॉम वट टेबल नेम, करेक्ट। सो यू विल गेट द पर्टिकुलर कॉलम फ्रॉम दैट टेबल, ओके। थर्ड वन इज हमने देखा लॉजिक कैसे लगाएं। सपोज यू कैन राइट सेलेक्ट कोई पर्टिकुलर कॉलम नेयर में भी पर्टिकुलर ऑल द टेबल फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द टेबल एंड बट सपोज आई वॉन्ट हियर एनी पर्टिकुलर लॉजिक, सो आई कैन इवेन राइट लॉजिक हियर लाइक मे बी वेयर एंड गिव द लॉजिक हियर, करेक्ट। सो लॉजिक लाइक मे बी यूर यू वॉन्ट टू राइट फॉर अ पर्टिकुलर कॉलम की इस कॉलम की सारी वैल्यू 10 से बड़ी हो, यार मे बी एनी लॉजिक यू वॉन्ट टू राइट हियर यू कैन राइट हियर। सो दिस इज द थ्री लाइक वे। फर्स्ट सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द टेबल नेम, देन सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम द पर्टिकुलर टेबल एंड थर्ड दिस वन। सो वी एक्चुअली कंप्लीटेड दिस वन, इवन वी कंप्लीटेड लाइक दिस ऑर्डर बाय, लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम योर टेबल नेम एंड देन ऑर्डर बाय आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, DESC। सो असेंडिंग इज बाई डिफॉल्ट इज असेंडिंग, इफ यू वॉन्ट टू राइट डिसेंडिंग जस्ट राइट DESC, है ना। ये हमने देखा। एंड फिफ्थ हमने आई थिंक हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमने ये भी देखा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट टेबल नेम, जो भी होगा टेबल नेम असेंडिंग ऑर्डर बाई दैट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एंड हियर वी कैन से लिमिट। सो लिमिट इज बेसिकली लाइक सपोज यू वॉन्ट टू ओनली सी द 5 डेटा और 10 डेटा, जितने भी आप देखना चाहते हो रो वाइज, नॉट कॉलम वाइज। कॉलम वाइज जस्ट यू राइट योर कॉलम नेम हियर, बट सपोज यू वॉन्ट टू सी द 5 रो 10 रो, सो यू कैन राइट लिमिट दिस। ये हमने 5 क्वेरी, सो सिंपल क्वेरीज जो है लास्ट क्लास में देखी थी। सो इफ एनी वन हैज एनी डाउट इन दिस जस्ट लेट मी नो, इफ एनी वन फीलिंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस ऑल दिस 5, अगर आपने प्रैक्टिस करा हो और आपको लगता हो कि यार इसमें डाउट आया मेरे को स्पेशली, और मैंने बोला था कि जो वेयर लिख के जो हम डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक लगा सकते हैं, इवन एंड और डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक कंबाइन कर सकते हैं। सो इन दैट इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो, किसी कोई डाउट है किसी भी तरह का प्लीज आस्क एनी वन ऑफ यू यू फील एनी डाउट। लेट मी सी कितने लोग हैं, अमीशा इज देयर, अर्पना, अशोक, धर्मेंद्र, हेमंत, पायल, पूजा, शिवम, शिवानी, ओके। सो एनी वन फील लाइक एनी डाउट जस्ट लेट मी नो, ठीक है। अशोक एनी डाउट इन दिस, ठीक है। सो दैट सो सिंपल, है ना। अमीशा आई थिंक लास्ट क्लास में आप नहीं थे, आपको क्लियर है ये चीजें, अच्छा ठीक है ठीक है। तो वेरी सिंपल एक्चुअली एंड आई बिलीव ऑल ऑफ यू आर ओके विथ दिस। नाउ लेट्स गो हेड लिटिल, अभी भी सिंपल ही क्वेरीज हैं, इसके बाद थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी बट अभी तो फिलहाल ठीक है।
देखो एक तो बात करते हैं लाइक की और एक आई लाइक की बात करते हैं, देन गो फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। मुझे बताना ना थोड़ा सा, मैंने बताया है कि नहीं अभी ना, लेट मी चेक की ये मैंने आप लोगों को बताया कि नहीं, क्योंकि छोटी छोटी क्वेरीज हैं, बताऊंगी तभी हम बड़ी क्वेरीज लिख पाएंगे। सो बिटवीन बता दिया क्या? बिटवीन बताया क्या? नहीं बताया ना, सिंग बिटवीन भी नहीं बताया। हाँ ठीक है, देखो बिटवीन मीन्स होता है जैसे जस्ट लाइक सपोज यू वॉन्ट टू राइट समथिंग, मे बी आई एम राइटिंग, लेट मी शो यू, सपोज आई एम राइटिंग समथिंग लाइक, आई एम राइटिंग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम एंड वेयर, सपोज एक एज एक कॉलम है, ठीक है, सपोज देयर इज एज एक कॉलम, सो आई कैन राइट वेयर एज, ठीक है, वेयर एज बिटवीन 4 एंड 10। सो इसका मतलब यह है कि डेटा पूरा आएगा क्योंकि यू राइट स्टार हियर, और बट एज जो है जो 4 से 10 के बीच में रहेगा उसी को आएगा। चलो एक बार चेक करते हैं ना इसको, एक बार चेक करते हैं, ठीक है। सो इसमें देखो कोई अमाउंट है क्या? या सी दिस दिस कस्टमर आईडी, लेट्स टॉक अबाउट दिस कस्टमर आईडी। सपोज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी स्पेलिंग देखना बस ना, कस्टमर आईडी बिटवीन, मे बी आई एम गिविंग 3 एंड मे बी 6, लेट्स रन इट। देखो यहाँ पे 3 4 5 6, तो दिस इज बेसिकली बिटवीन, इज जस्ट इवन इफ यू वॉन्ट राइट अ लॉजिक हियर ना, तो लॉजिक भी लिख सकते ना, वेयर कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 3 लेस देन 6, वो भी तो लिख सकते थे, है ना, सिंपल। बिटवीन में किसी को दिक्कत है? आई बिलीव नो वन हैज एनी इशू इन दिस, करेक्ट, सिंपल ना, ठीक है। अब देखो एक और होता है बहुत ही सिंपल सा, लाइक इन, सपोज आई राइट लाइक दिस, मे बी आई एम राइटिंग कस्टमर आई डी इन, जस्ट आई एम गिविंग वन ब्रैकेट, जस्ट समोन इज कमिंग, धन्यवाद। सो आई एम राइटिंग लाइक सिलेक्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आई डी इन, सो आई एम राइटिंग गिविंग 10 मे बी 22 3 अभी एंड 120, लेट्स रन इट। सी दिस, सो इफ यू राइट दिस ना कस्टमर आई डी इन, तो अभी क्या हुआ, वो इन क्या करता है, सी बिटवीन मतलब एक वैल्यूज के बीच में रेंज दे दिया, इन मतलब एग्जैक्टली, सपोज आई एम राइट लुकिंग हियर, सी केयरफुली, सपोज यू राइट हियर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेमेंट एंड देन यू आर सेइंग वेयर व्हाट कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी इन, नाउ सपोज यू आर सेइंग 10 एंड 22, कोई आ रहा है ना, सी नाउ यू आर सेइंग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेमेंट वेयर कस्टमर आईडी इन 10 20। सो नाउ व्हाट हैपन, एक्चुअली डेटा वही मिलेगा आपको जिसमें कस्टमर आईडी 10 और 22 हो, वो बाकी तो चेक करने वाला नहीं रहा, 10 को चेक करेगा, 10 है तो इट विल गिव द रिजल्ट, कस्टमर आईडी कहीं 22 मिलेगा तो इट विल गिव द रिजल्ट 22। सी लेट मी गिव सम नंबर हियर, सपोज आई एम गिविंग हियर मे बी कॉमा, दिस वेरी बिग नंबर, लेट्स सी, सी व्हाट हैपन, एक्चुअली दिस नंबर इज नॉट देयर, सो इसीलिए ये वाला कस्टमर आईडी नहीं है, बट जो भी कस्टमर आईडी अवेलेबल है वो उसमें से कोई भी मैच कर रहा है, इट विल गिव द रिजल्ट। दिस इज इन इज रियली इंपॉर्टेंट समटाइम्स, सो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग स्पेशल, सो यू कैन गिव दोज हियर एंड डायरेक्टली इट विल रन। सी एक्चुअली इफ यू राइट नाउ, देखो इट्स इट्स राइटिंग इन ओनली मिली सेकेंड, देखो ये सेकेंड से भी कम एग्जीक्यूट हो रहा है, एंड सपोज फॉर द सिमिलर नंबर ऑफ डेटा इफ यू राइट द सेम प्रोग्राम इन पांडास, बिकॉज यू आर एबल टू राइट इन पांडास एज वेल, है ना, मैंने क्वेरी लिखना सिखाया था आप लोग को पांडास में डेटा डॉट क्वेरी करके, सो इफ यू राइट द सेम थिंग ना, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ टाइम, है ना,
इफ यू कंपेयर विद SQL. सो ये एक इंपॉर्टेंट बात है. इवन मैं बता रहा हूँ इसी सेम अमाउंट ऑफ डेटा की बात कर रहा हूँ, तो भी डेटा बड़ा होगा तो फिर वो पांडास वर्क भी नहीं करेगा, और बहुत डेटा बढ़ गया तो ठीक है. अगर इवन अभी मैं कह रहा हूँ कि मैं बिग डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन अभी मान लो 10 करोड़ के आसपास में डेटा चला गया ना, तो बहुत मुश्किल है कि पांडास उस पर वर्क कर पाएगा बढ़िया से. एनीवे सो ये ठीक हो गया. तो देखो हमने देख लिया ये इन हो गया, तो एक तो तुम्हारा ये हो गया किसके लिए, इनके लिए, और एक बिटवीन, दो एक्स्ट्रा देखा. सो पांच हमने देखा था उधर स्टार सेलेक्ट करना, कॉलम सेलेक्ट करना, वेयर, और क्या देखा था वेयर के बाद, एक देखा था ऑर्डर बाय लिमिट, और अभी देखा बिटवीन एंड इंड. ये थोड़ा बहुत सिंपल है. उसके बाद लेस को फॉर एक लाइक और आई लाइक, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक आई लाइक. फिर मैं देखा था तुम्हें कुछ और लेस को फॉर लाइक, सिक्स लाइक होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू. तो यहाँ पे मिलेगा कि नहीं, हाँ मिल सकता है. तो वो लाइक क्या होता है बेसिकली, लाइक से बढ़िया तो खैर मैं थोड़ा और रेगुलर एक्सप्रेशन टाइप की एक्चुअली है. लाइक का मतलब जैसे ना कि कोई चीज तुम चाह, जैसे मान लो नेम है, नेम कॉलम है, एंड यू वॉन्ट की सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी मीन सपोज यू वॉन्ट टू राइट कि वो सारे नेम जो ए से स्टार्ट होते हो. ऐसे तो रेगुलर एक्सप्रेशन टाइप ही हो गया ये भी, आई विल एक्सप्लेन रेगुलर एक्सप्रेशन इन सेपरेट, बट वो एक्चुअली सेम ही चीज़ है अगर ध्यान से देखें तो. बट एनीवे रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने पाइथन में आप लोगों को पढ़ाया भी है ना, एक दो लोग ही नहीं है जिन्होंने पाइथन नहीं पढ़ा, बाकी मोस्टली आप लोगों ने मेरे से पाइथन पढ़ाया, तो मैंने रेगुलर बहुत डिटेल में पढ़ाया था पाइथन में, है ना, अभी पढ़ाया था ना पूजा, किसको किसको याद है रेगुलर एक्सप्रेशन, कौन कौन है पाइथन बैच, सभी लोग हैं एक दो छोड़ के, इकरा नहीं थी, बाकी आई थिंक एक तान्या नहीं होगी, और एक शिवानी, शिवानी थी, हाँ हेमंत आप नहीं होंगे, और एक अशोक नहीं होगा, बाकी तो सभी लोग पाइथन पढ़े हैं. अच्छा एक सिंपल, जैसे तुम्हें याद है जैसे मान लो मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है किसी सेंटेंस में कि जो भी स्टार्ट हो ए से स्टार्ट हो, याद है सब चीज़ें, अरे आरी रेगुलर एक्सप्रेशन, चलो भूल गए कोई बात नहीं, रिवीजन कर लिया करो भाई, ये सब चीज़ तो पढ़ते रहना चाहिए यार. चलो सिक्वल में देखो, सिक्वल में क्या होता है, देखो पहले लाइक देखते हैं ना, छोड़ो ये सब पता, पहले लाइक देखते हैं फिर कुछ एक्स्ट्रा देखेंगे, पहले लाइक देखते हैं. इसे देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ध्यान से, मैं लिखता हूँ यहाँ पर ना सेलेक्ट स्टार ऑफ फ्रॉम कस्टमर नेम, तो है यहाँ पे एक फर्स्ट नेम पे खेल सकते ना, सपोज आई एम सेइंग वेयर फर्स्ट नेम वेयर फर्स्ट स्पेलिंग फर्स्ट FIRST फर्स्ट नेम लाइक, देखो लाइक का मतलब कि इसके जैसा हो तभी वो करेगा वर्क, ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो नहीं करेगा वो वर्क, ठीक है. अब देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, मान लो कोई भी, जैसे मैं देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट नेम में सपोज एल ही करते हैं, एल और परसेंटेज देता हूँ, दैट्स राइट. देखो परसेंटेज का मतलब होता है ना कि स्टार्टिंग से चेक करेगा, ठीक है, तो वो सारे नेम जो एल से स्टार्ट हो रहे थे वो आ गए आपके पास, ठीक है. अभी रेगुलर लिखना चाहता हूँ, जस्ट आई एम गिविंग यू सिंपल लाइक, ठीक है. देखो अगर तुम इसको स्मॉल एल लिख दो, ठीक है, स्मॉल एल लिख दो, सो यू विल नॉट गेट दोज रिजल्ट, क्योंकि स्मॉल एल देखो नहीं मैं आया ना, बट सपोज आई राइट आई लाइक, अभी आ जाएगा. एक्चुअली लाइक और आई लाइक में ही फर्क है, ठीक है, लाइक जो है ना वो केस सेंसिटिव है, आई लाइक जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है. एक्चुअली पूरा गेम इसी बात का है कि लाइक इज केस सेंसिटिव, आई लाइक इज नॉट केस सेंसिटिव. तो इससे फायदा क्या हुआ, अगर तुम लाइक लिखते हो तो इजिली यू कैन फाइंड दैट ना पर्टिकुलर की किससे स्टार्ट हो रहा है, और आई लाइक लिखोगे तो चाहे वो क्या वो हो या वो कोई भी बहुत फर्क नहीं पड़ता, इससे इजिली जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो ये एक फायदे की बात है. एक्चुअली गेम में मिनट ना, आई वॉन्ट टू चेक समथिंग,
बस फिर देखते रहना। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ देखो, तो देखो लाइक जो होता है वो इससे होता है, और आई बोलो। देखो परसेंटेज अगर आपने इधर लिखा, अभी बता रहा हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन में सब चीज़ें। देखो परसेंटेज इधर लिखा, इसका मतलब होता है कि वो स्टार्टिंग से चेक करेगा, और तुम इसको ऐसे कर दो, यहाँ लिख दो परसेंटेज, अभी रन करो। इसका मतलब होता है लास्ट में एल होना चाहिए। देखो यहाँ पे लास्ट में जहाँ जहाँ पर एल आ गया वहाँ वहाँ मिल गया, ठीक है। अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन बताता हूँ, एक्चुअली ये सब पाइथन वगैरह में पढ़ा होगा लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन में, बट चलो मैं थोड़ा समझाता हूँ क्या होता है सब चीज़ें। एनी वे ये बताओ, यहाँ तक में किसी को दिक्कत परेशानी तो बताओ, एनी वन। अब सपोज आई आस्क क्वेरी हियर, राइट अ क्वेरी, आई वॉन्ट टू फाइंड टू थिंग जिसका फर्स्ट नेम ए से स्टार्ट होता हो, या मे बी ई से। आई वॉन्ट दोज नेम जिसका फर्स्ट नेम ई से स्टार्ट होता है और लास्ट नेम डब्ल्यू से स्टार्ट होता हो। कैन ऑल ऑफ यू राइट द क्वेरी, फर्स्ट नेम ई से स्टार्ट होता हो, लास्ट नेम डब्ल्यू से स्टार्ट होता हो। प्लीज लिखिए फटाफट क्वेरी। यार कल ना, चल लिखो पहले, कल फाइनल मैच है आईपीएल का, कल टाइम चेंज करें क्या क्लास का? कितने लोग देखते हैं आईपीएल? अच्छा मैं अकेले देखता हूँ, ई से और लास्ट नेट डब्ल्यू से। पायल नेट इशू है क्या? अच्छा मुझे लगा तुम्हारा, मुझे लगा ना कि वो तुम्हारा बार बार दिखा रहा है एडमिट और लेफ्ट, इसलिए मैं पूछा। अच्छा और सिस्टर कहाँ तुम्हारी? अच्छा वो ज्वाइन नहीं हुई है क्या? मैं उसी को ढूंढ रहा था अभी। ठीक है चलो, तो तुम लोग आ गए नोएडा, अभी कहाँ हो? मतलब तुम्हारा कॉलेज अभी बंद हुआ होगा ना इस समय तो? अच्छा एग्जाम है। अच्छा तो किस थर्ड ईयर के ना? कौन सा सेमेस्टर है तुम्हारा? सिक्स। अच्छा ठीक, दो आ रहा है ना? ठीक है तुम्हारा आया ना, बाकी लोगों को वो भी नहीं आया लग रहा है। अच्छा अभी तुम्हारा एक नहीं हो पाया क्या? एक्सपीरियंस स्क्रीन कोई बात, एक्सपीरियंस शेयर करो एक बार। ठीक है यार, तो करा सबने यार? किस किसने करा?
यार बाकी लोग सुन, इतना आसान क्वेश्चन था, इसमें क्या था? वो जो आपसे हुआ, पूजा शर्मा। हाँ ठीक है, था ना पूजा शर्मा हुआ आपसे। अच्छा गुड अपना। पूजा आर यू देयर? हो गया? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी ऑफिस से नहीं निकली हो क्या पूजा? मतलब ऑफिस से, मतलब काम से अभी? अच्छा यार, तो ये होता है लाइक और आई लाइक। ठीक है, लाइक और आई लाइक मतलब कि जो भी तुम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स वगैरह देख रहे हो ना, उसके लिए वो होता है। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत ऐसा है नहीं कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। आई बिलीव सबको समझ में आ रहा होगा, है ना? कोई ऐसा जिसको चैलेंज लग रहा है इसमें? आई डोंट बिलीव कि चैलेंज भी लग रहा होगा इसमें, है ना? ये बहुत आसान सा है। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन देखते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, थोड़ा समझना भी होता है इसमें। तो पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, देन वील गुड। इकरा आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो। तो देखो बहुत ही सिंपल सिंपल सी बात है और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो तुम बात कर रेगुलर एक्सप्रेशन की, कुछ चीज़ें जैसे तुम्हें जान लेना चाहिए। देखो स्लैश डब्लू का मतलब होता है क्या होता है, किसी को याद है? वर्ड है ना, कोई भी वर्ड जैसे ए बी सी डी लाइक दिस। स्लैश टी का मतलब होता है डिजिट होता है, लाइक 1 2 0 ये सब डिजिट होता है, स्लैश टी में आता है, स्लैश डब्लू में आता है। ये एक्चुअली मैंने ना जब पाइथन ने रेगुलर एक्सप्रेशन कराया था, अभी कराया था तुम लोगों के बैच में, जस्ट अभी कंप्लीट कराया था। ये क्या नाम है, पूजा और शिवानी वगैरह जो भी हैं, दूषित वगैरह, आप लोगों के बैच में है ना, याद होगा आप लोगों को। उसमें हमने काफ़ी प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस भी करे थे जब रेगुलर एक्सप्रेशन करा था वहाँ पे, तो है ना? तो जस्ट लाइक दैट वहाँ पे भी जैसे होता है रेगुलर, ऐसे यहाँ पे भी होता है। तो इसका मतलब है कि हम कुछ स्पेसिफिक चीज को सर्च करना चाहे, क्वेरी करना, लिखना चाहे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर भी, समझ रहे हो? रेगुलर एक्सप्रेशन लगा करके, बस थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे हो रही चीज़ें। जैसे इसमें लिखने का तरीका ये होता है कि आपको लिखना है सेलेक्ट। अगर अब आप पर डिपेंड करता है कि आप देखना क्या चाहते हैं। सपोज यू वांट टू चेक ऑल द कॉलम्स, जस्ट राइट स्टार फ्रॉम योर टेबल नेम, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो टेबल नेम जो भी आपका है आप दे सकते हैं। अब देखो जो भी, अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे आपने वेयर लिखना है, वेयर लिखना है, ठीक है। अब आपको देना किस कॉलम पे आप लगाना चाहते हो क्या रेगुलर एक्सप्रेशन को। सपोज आप लगाना चाहते हो मे बी नेम पे, जस्ट गिव नेम एंड देन यू हैव टू राइट स्किप। स्किप का जो साइन होता है वो देना होता है, और उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन, जो भी यहाँ पे आप रेगुलर एक्सप्रेशन देंगे, आपका जो भी पैटर्न बनाएंगे, जो भी आप पैटर्न बनाएंगे उस पैटर्न को फॉलो करेगा नेम, और कि जो भी उस पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे नेम, उन्हीं का केवल आंसर आपको दिखेगा। दिस इज बेसिकली द वे टू फाइंड द डेटा टेबल, एक्चुअली जो वो टेबल है, ठीक है। तो ऐसे करके आप आर एबल टू फाइंड इजिली कि क्या डेटा आप देखना चाह रहे हो, एंड यू विल गेट द डेटा, दोज डेटा, ठीक है। अच्छा ना, एक मैं बात देखो मैं कर रहा था, भूल गया, ये बताओ कि कल हम लोग मॉर्निंग क्लास कर सकते क्या? एक्चुअली ना कल शाम को ना वो है फाइनल आईपीएल का, है ना? तो पता नहीं तुम लोग देखते हो कि नहीं, बट मैं एटलीस्ट फाइनल तो देखता हूँ ढंग से, मतलब बाकी सब मैचेस तो ऐसे ही, लाइक एक्चुअली देखने का रीजन बस एक है, कल है, कल कल ही है ना? नहीं कल है भाई, कल था वो वाला दूसरा क्वालिफायर, कौन कौन पहुंचा किसी को? अच्छा तुम वो देखते नहीं हो क्या? फाइनल कल है,
गुजरात और हाँ और आरआर के बीच में है ना। हाँ अब देखो कल है ना, वो तो पता चला कल ही। तो वही मैं क्या कर रहा, मैं ये कर रहा कि कल सुबह कर ले अगर आप लोग अवेलेबल हो सभी लोग, तो कोई शाम को रहेगा ना, तुम लोग बताओ, तुम लोग बताओ। नाइन नेम अच्छा आफ्टरनून में कब? दो बजे तो ज्यादा लेट हो जाएगा यार। आ 10 बजे? यार 10 बजे ठीक है क्या? हाँ 10 बजे मुझे ठीक, दिक्कत नहीं है 10 बजे। 7 to 4 ऑफिस होता है किसका होता है? 7 to 4 7 AM 7 AM। माय गॉड बट कल तो संडे है शिवानी, तुम्हारा संडे ऑफ होता है ना? अच्छा तुम्हारा अच्छा ये भी है ना एक तो। यार संडे ऑफ नहीं। सो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द टेबल टेबल नेम। सो दिस इज टेबल नेम वेयर नेम। अब देखो इस पे लगाना है तो मैं थोड़ा इसको ना यहाँ से हटाता हूँ नेम को, और मैं इसको नीचे लिखता हूँ कि तुम्हें समझ में आए। तो मैं रहता हूँ वेयर नेम, और देखो मैंने स्केप वाला देखो बटन है ऐसे वाला, ये वाला ये मैं लिखता हूँ इसके अंदर। इसे सपोज आई एम राइटिंग हियर ए, सो बेसिकली क्या हुआ जब मैंने लिखा ए, सो नाउ इट इट विल स्टार्ट फ्रॉम ऑल द नेम विच स्टार्ट फ्रॉम ए, क्योंकि मैंने दे दिया ए, याद है तुम्हें सिंपल ए। अगर मैं लिखूं ए बी तो अभी क्या होगा, ए और उसके बाद बी चेक करेगा, याद है किसी को कि नहीं याद है? याद भी है नहीं याद है? चलो एक बार देख ही लेते हैं ना, आधा समझ में आएगा क्योंकि तो थोड़ा थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा ये सब चीज़ें, थोड़ा सा अच्छा होता है सब चीज़ें ठीक है, मतलब इजीली समझ में नहीं आएगा, देखते रहो। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम योर टेबल वेयर फर्स्ट नेम। देखो वेयर फर्स्ट नेम आई एम गिविंग हियर दिस इज सॉरी यार यार ये स्किप बटन के नीचे होता है ना सिर्फ ऐसे। हाँ ये वाला ध्यान रखना ना, स्किप के जस्ट नीचे होता है ये वाला ठीक है। नाउ आई एम गिविंग सपोज आई एम राइटिंग हियर मे बी आर, सो द सीरीज देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम जो आर से शुरू है ना वही आ रहा है, बट नाउ आई वॉन्ट कि आर के बाद आई भी आए, जस्ट गिविंग आई। अब देखो जो आर के बाद आई वाले नेम होंगे ना, आई एम एबल टू सी राइट नाउ सी आर आई, जैसे यहां पे देखो रीता आ रहा है ना, आ रहा है ना रिक्की आ रहा है, तो जो भी है सब रिचर्ड कुछ जो भी है। सो दीज आर द नेम्स विथ स्टार्ट विथ व्हाट आई लाइक आर आई। सो अभी ना हम स्पेसिफिक बता रहे हैं कि आर के बाद आई। अब सपोज मैं चाहता हूं ऐसे ध्यान से देखो, अब मैं चाहता हूँ ऐसे देखते रहो ध्यान से ना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज मैं चाहता हूँ कि यार नाम तो स्टार्ट हो आर से ठीक है, उसके बाद आए एस, और उसके बाद कोई भी वर्ड आए और फिर आए पी, मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कॉम्बिनेशन। तो अभी क्या मैं लिखूंगा आर के बाद एस, यहाँ पर लिखूंगा डब्लू, मैंने बोला क्या डब्लू मतलब कोई सा भी वर्ड, तो मैं यहाँ पर कोई भी वर्ड चेक करने के लिए रेडी हूँ, एंड देन आई कैन गिव यर पी। सो इसका मतलब कंबिनेशन क्या बनेगा, आर एस पी और बीच में कोई सा भी वर्ड आ सकता है, सही यस नो आर एबल टू गाइस फॉलो मी फॉलोइंग मी आर नॉट क्लियर सभी को? सो ये बहुत सपोज आई वॉन्ट टू चेक की लाइक मे बी मेरा मेरा ऐसा है डेटा आर A 3 4। नाउ आई एम लुकिंग फॉर 3 4 एंड देन यहाँ पे कोई भी नंबर आए, कोई भी नंबर नंबर हैज टू बी देयर एंड देन एनी वर्ड। सो दिस टाइम आई कैन राइट लाइक दिस आर ए 3 4
4 स्लैश डी, डी मतलब डिजिट, स्लैश डब्ल्यू वर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसको फिक्स कर दिया। क्लियरिटी मिल रही नहीं मिल रही ऑल ऑफ यू? नहीं। हाँ देखो, अभी तो क्या, अभी देखो केस सेंसिटिव है, वो हम केस सेंसिटिव हटा सकते हैं, वो हमारे हाथ में हमेशा है। हम उससे बता ना, केस सेंसिटिव बात ही मत करो, वो कोई बड़ी मुद्दा नहीं है, वो हम अपने तुरंत हटा देंगे। केस सेंसिटिव इज नॉट इंपॉर्टेंट। हम चाहे तो केस सेंसिटिव रख सकते हैं, चाहे तो नहीं रख सकते। अभी दिखाए ना लाइक और आई लाइक। हाँ बोलो। नहीं नहीं स्टार्टिंग दिया ना आरएस। अच्छा 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 नहीं नहीं हमें ना दिखाना पड़ेगा कि परसेंटेज के साथ कि हम पहले चेक कर रहे हैं, है ना। हम परसेंटेज साथ दिखाना पड़ेगा। अब देखो ये सब लोग समझ गए होंगे जिन्होंने पाइथन में पढ़ा होगा। पाइथन में याद है पाइथन वालों कि वो पैटर्न चेक करेगा, जहां भी मिल जाएगा रीडर ला जाएगा, है ना, है ना। नहीं तो फिर आपको वो देना पड़ेगा ना परसेंटेज, नहीं तो वो तो कहीं से भी जहां भी परसेंटेज मिल रहा होगा वहां से वो ले लेगा। हाँ ठीक है। हाँ हाँ अभी दिखाता हूँ ना, एक एक करके मैं दिखाता हूँ ना, अभी तो पढ़ा रहा हूँ, एक दिखाता हूँ मैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है आर आई, ठीक है, सपोज में लिखता है स्लैश डब्ल्यू। अब देखो अब लिखा स्लैश डब्ल्यू, सॉरी ये वाला नहीं, ठीक है ये वाला। देखो अभी अभी कोई भी आ गया ना, इसके बाद कोई भी आ गया ना, बट नाउ आई एम वांट टू गिव बी, लेट्स चेक इट। देखो यहाँ पे देखो थर्ड पहला पोजिशन आर फिक्स होना चाहिए। सी फर्स्ट पोजिशन आर इज फिक्स्ड, नाउ स्लैश ये देखो ये डब्ल्यू, डब्ल्यू मंट वी विल गेट एनीथिंग, बट नाउ आई एम चेकिंग बी हियर। क्लियर आर नॉट? से यस नो? ठीक है। नाउ सपोज आई एम राइटिंग हियर, देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं स्क्वायर ब्रैकेट में, आई एम राइटिंग वाई, सपोज आई एम राइटिंग इस स्क्वायर ब्रैकेट में, कोई और नंबर दे दे, वाई जेड, एक मिनट ना शायद कॉमा नहीं आता है, वाई जेड, लेट्स रन इट। देखो यहां पे ना ये ना एक्चुअली ध्यान देखना, आर हैज टू फिक्स, देखो है स्लैश डब्ल्यू मतलब एनीथिंग, देखो यू आ गया, फिर नाउ यू गिव बी हैज टू फिक्स बी आ गया, नाउ यू गिव वाई जेड। देखो व्हेन यू राइट स्क्वायर ए बी सी, इट मीन्स ना नाउ वी आर फिक्सिंग आइदर ए विल कम और बी विल कम और सी विल कम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑर नॉट? से यस नो? देखो यार एक आत्मा राय वाले चैनल पे जाओगे ना, रेगुलर एक्सप्रेशन करके एक वीडियो पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें ना मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन खूब डिटेल में पढ़ाया है, कि मतलब इतना डिटेल में सिक्वल में रिक्वायर्ड नहीं है जितना रिक्वायर्ड वहाँ होता है। तो इफ़ यू वांट टू नो यू कैन चेक इट, उसमें मैंने खूब डिटेल में रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ा रखा है कि यहाँ पे ये पॉइंट्स आएंगे तो क्या होगा, वो होंगे तो क्या होगा, सारा डिटेल में। बट उतना यार रिक्वायर्ड नहीं होता क्योंकि हमें एक सिंपल क्वेरी लिखनी थी, कई बार लिखनी होती तो और भी तरीके होते करने के, तो इजिली वी कैन डू दिस। बट जितना मैंने बताया इतना हमारा ऑलमोस्ट काम चल जाता है, कभी कभी नहीं चलेगा तो यू कैन गूगल इट एंड ऑल, बट जनरली हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो जैसे मान लो तुम इफ यू राइट हियर, सपोज आई राइट हियर, मे बी आई एम राइटिंग हियर नॉट आर, आई एम जस्ट गिविंग स्क्वायर ब्रिकेट स्क्वायर एंड देन आई एम गिविंग कैपिटल आर कैपिटल ए। अरे यार ये तो पता नहीं कोई बटन क्लिक हो गई ना, अभी क्या होगा ना कि अपने आप ही सब डिलीट होता रहेगा। जैसे हो गया कैपिटल आर कैपिटल ए में भी कैपिटल आर कैपिटल बी, नाउ आई एम राइटिंग दिस, जस्ट मैं इसको क्लोज कर रहा, ए आर बी ना। देखो किसी से भी ए आर या बी किसी से स्टार्ट होगा हमें चाहिए, बट इसके बाद मैं चाहता हूँ पी आए, बस लेट्स रन इट, इसके बाद चाहता हूँ पी आए।
सो केवल यही आ रहा है अप्रैल, ठीक है। सो दिस इज, तो ये हम मतलब हम जान पा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अरे पॉइंट, कि अभी तुमने क्या करा, यहाँ पे तुमने दे दिया, तो बेसिकली क्या है ना कि स्क्वायर मतलब कि यू विल गेट एनीथिंग। से यस नो, आया समझ में नहीं आया? अरे बोलो ना, हाँ या ना। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैं जान से पूछ रहा हूं, किसी को याद है कि नहीं। मैं कहता हूं मैं क्वेरी ऐसा लिखो जो नाम स्टार्ट होता हो पी से और उसके बाद केवल पांच वर्ड हो, पांच कोई सा भी हो सकता है, लाइक इट विल बी एनीथिंग, पांच या पांच से बड़ा। एनीवन कैन डू दिस? नाम भी स्टार्ट होना चाहिए पी से, उसके बाद कोई भी पांच या पांच से बड़ा। किसी को याद है? ये पाइथन में पढ़ाया था मैंने। कर्ली ब्रैकेट में ना दोगे ना तो ऐसे वर्क करेगा वो। देखो इधर, सपोज जैसे मैंने कहा मुझे कैपिटल पी देता हूँ मैं, देखो ध्यान से, कैपिटल पी दिया और रन कराया, सो इट विल स्टार्ट जो भी पी से है, बट अभी तो कोई दिख नहीं रहा, छोटा से यहाँ पे देखो दिख रहा है, इसके बाद चार ही है, बट मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ पांच। अब देखो यहाँ पे, सॉरी ना, पांच के बाद डॉलर साइन आना चाहिए ना, एक मिनट, ऐसे होता है शायद, ये वाला इधर जाओ, इसका क्या नाम होता है, एक सेकेंड ना, ये वाला डॉलर वाला ना, ये है, ठीक है। और हमें चाहिए पांच या पांच से बड़ा, मान लो पांच या पांच से, मान लो हम कहते हैं सात तक, यार एक तो ना ये गड़बड़ हो गया। हमें चाहिए क्या, डॉलर्स, एक मिनट ना, डॉलर साइन, ठीक है। अब इस पे ब्रेक करते हैं, रन करो, क्या रहा है, ओ सॉरी, देना पड़ेगा ना क्या रूल, सॉरी एक ना गड़बड़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अच्छा मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि अभी नहीं डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर देना पड़ेगा ना रूल किसके लिए, डब्लू के लिए ना, तो अब इसको, अच्छा ये भी गड़बड़ हो गया क्योंकि हमें तो ये वाला इससे चाहिए, एक सेकेंड, ये वाला चाहिए ना, हाँ अब रन करो, क्या गड़बड़ है, इनवैलिड, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड गाइस, ठीक तो ज़्यादा ना, एक मिनट रुकते रहना बस, स्लैश डब्लू रन करो, ठीक है अभी। उसके बाद सपोज मुझे चाहिए 3 to 4, थ्री कॉमा होता है एक्चुअली, फोर मान लो, 3 to 5 ही चाहिए, इसको बंद करो, ठीक है, डॉलर का साइन दो, एक मिनट, और इसको ब्रेक करो, हाँ डिलीट करो और रन करो जरा यार। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, 3 4 कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, और जब मैं यहाँ पे डॉलर लगा, ठीक है, थ्री फोर ना, देखो सही, एक्चुअली ना ये डिलीट हो जाता बार बार। देखो यहाँ पे, सो पी से स्टार्ट होगा, तुमने बोला डब्लू 3 और 4 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो देखो इससे बड़ा कोई भी नहीं मिल रहा, देखो 3 और 4 के बीच में मिल रहा, देखो इसके बाद 3 या 4, दो भी, देखो 3 यहां मिला, AUL, देखो पी के बाद डब्लू क्या है, कोई भी चीज ना, कोई सा भी वर्ड हो सकता है, बट कितना हो सकता है, सिर्फ 3 या 4 हो सकता है। अरे बात समझ में नहीं आ रही, देखो ना यहाँ पे ये मिनिमम 3 है, मैक्सिमम 4 है, देखो 4 है इसके बाद, देखो 4 है, कहीं भी तुम्हें 6 नहीं मिल रहा ना, बट सपोज मैं यहाँ पर आप 6 लिख देता हूँ, देखो मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, अगर अब रन करता हूँ इसको,
देखो अब 6 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, देखो 3 यहां मिल रहा है, अब देखो यहां पे 5 मिल गया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो देखो, तो अगर तुम कोई भी रूल के बाद, जैसे तुमने यहां पे लिखा ना फेरर स्लैश डब्ल्यू, तुमने यहां पे लिखा 3 4, सो इसका मतलब तुम इसको कितने बार लिखना चाह रहे हो, 3 से मिनिमम और 4 बार मैक्सिमम। अगर 3 बार मिलेगा तो भी ठीक है, 4 बार मिलेगा तो भी ठीक है। अगर कहीं पे मतलब ये हुआ कि RATP लिखा है, अगर तुम कहीं नहीं इसके पहले R लिखा हुआ है तो R से स्टार्ट होगा और ATP इसको भी एक्सेप्ट करेगा, और कहीं लिखा है RATPM उसको भी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन कहीं पे लिखा है RATPMO इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो 3 और 4 के बीच ही कर सकता है, और कहीं पर सिर्फ RAT लिखा है इसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि अब वो मिनिमम जो उसके रूल है उसको नहीं फॉलो कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सही यस नो? ठीक है, तो देखो इतना अगर तुम्हें पता है तो नाउ वी आर एबल टू राइट जो भी तुम्हें रिक्वायर्ड होगा। अभी हम लोग करेंगे जब थोड़ा कॉम्प्लेक्स करेंगे, तो ये सब चीज़ों को वहाँ पे रिकॉल करके तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि जैसे मान लो हम किसी के यूनियन लगा रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो कोई स्पेसिफिक किसी डेटा टेबल पे, किसी डेटा टेबल पे लगा कर और यूनियन करना है, तो उस टाइम यू हैव टू रिकॉल कि यार ये इसके लिए रहा तो ये रूल होगा, ये रूल होगा, वो मैं आपको रिकॉल कराऊंगा। तो बट ये छोटी छोटी चीज़ें कहीं एक जगह आप लिख लेना कि आपको याद रहने में बड़ा इजी रहे, क्योंकि मेन प्रॉब्लम भूल जाती है, मतलब मेरे को भी कई बार भूल जाती है, तो मैं फिर ध्यान रखता हूँ कि अच्छा ये वाला के लिए सिंटेक्स होगा, मतलब एक जगह लिख रखा है मैंने, जब भी जरूरत पड़ती है मैं उसको देख लेता हूँ बस, और कुछ नहीं करता। ठीक है, तो देखो ये वाला थोड़ा सा टॉपिक जो भी हम लोग कर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर रिवाइज कर लेना और नोटबुक वगैरह बना लेना, ठीक है, एक बार कंप्लीट कर लेना। डॉलर इसलिए लगाए ना, अगर डॉलर नहीं लगाओगे तो वो एक्चुअली इसका रूल के हिसाब से एंड करने के लिए, अगर डॉलर नहीं लगाओगे तो आगे भी चलता जाएगा, वो रुकेगा नहीं उसको, ठीक है, इसको करने के लिए ये। ठीक है, तो एक बार आप लोग इस वाले पार्ट को जरूर देखना, बाकी तो इन बिटवीन तो बहुत ईजी है, लाइक आई लाइक भी बहुत ईजी, बट ये थोड़ा सा है जो बहुत काम की चीज़ है, बट थोड़ा सा लगता है कि यार समझ में नहीं आया, तो एक बार इसको जरूर रिवाइज कर लेना, ठीक है। और टुमारो विल मीट 7:30, और मैं 9 PM पे शेयर करता हूँ ML वाला लिंक, ठीक है, इतना टाइम है, 5 मिनट आई के मैं भी पानी पी के अभी 9 बजे शेयर करता हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।